अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया है। हेलमेट लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात पुलिस ने बाइक रैली निकाली और लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया है। आयोजित किए गए कार्यक्रम को लेकर यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी ने बताया कि बाइक चालकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना सभी को अनिवार्य है। हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित जागरूकता रैली और सुनाते हैं यातायात थाना प्रभारी दिलीप तिवारी को उन्होंने क्या अपील की है। आज ये बाइक रैली जो निकाली गई है, एक संदेश के रूप में निकाली गई है। संदेश यह है कि हमारे कलेक्टर सर और एसपी सर ने हमको आदेश दिया था कि आज रैली निकाल करके लोगों को अवेयर करना है हेलमेट के प्रति। तो टू व्हीलर चालक हैं और उनके पीछे बैठने वाले जो पिलियन ड्राइवर्स हैं, उनको जो है राइडर्स हैं, उनको हेलमेट लगाना है। बिना हेलमेट के रोड पर नहीं निकलना है। यदि आप मोटरसाइकिल चलाते हो, हेलमेट ही आपकी सुरक्षा है। बहुत सारे रोड एक्सीडेंट जो हैं, 50% से अबव जो रोड एक्सीडेंट हैं, उनमें जो मृत्यु हो रही है केवल और केवल उन चालकों की हो रही है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं और हेलमेट नहीं लगाते हैं। अतः इन सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को मरने से बचाने के लिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के गाइडलाइन के मुताबिक आप सभी को हेलमेट जो है अनिवार्य कर दिया गया है। कल इस संबंध में एक मीटिंग जो है कलेक्ट्रेट कार्यालय में रखी गई थी, जिसमें हम लोगों को आदेश प्राप्त हुए थे कि प्रथमतः हमको जो है रैली निकाल करके, बाइक रैली निकाल करके लोगों को अवेयर करना है, उसके बाद में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करना है।